इंडस्ट्री से आए दिन बुरी खबरें सुनने को मिल रही हैं। हाल ही में टीवी टाउन की दुनिया के पॉपुलर एक्टर और कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। 2 सितंबर के दिन हार्ट अटैक के चलते महज 40 साल की उम्र में सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री को झकझोर कर रख दिया। कोई भी यकीन नहीं कर पाया कि सिद्धार्थ शुक्ला अब हमारे बीच नहीं है। और बीते कुछ दिनों बाद ही खबर आई हरियाणवी क्वीन डांसर सिंगर सपना चौधरी के निधन की। सपना चौधरी जो आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। सपना चौधरी अपने डांस और अपनी सिंगिंग के लिए मशहूर है और हमेशा ही किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बनी रहती हैं। सोशल मीडिया पर सपना चौधरी काफ़ी एक्टिव रहती हैं। फैंस के बीच वीडियोस और तस्वीरें शेयर करती हुई देखी जाती हैं। लेकिन हाल ही में सपना चौधरी के निधन की खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया। सपना चौधरी के निधन की अफवाहें उड़ने लगी। खबर आई थी कि सपना चौधरी का एक कार एक्सीडेंट में निधन हो गया है। यहां तक कि सोशल मीडिया पर लोग सपना चौधरी को श्रद्धांजलि तक देना शुरू कर दिए थे। ऐसे में देखा जाए तो अब सपना चौधरी का रिएक्शन आ चुका है। सपना चौधरी ने खुद के निधन की झूठी खबर पर अपनी बात रखी है। सपना चौधरी ने क्या कहा है, आइए जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। दरअसल बता दें आपको कि हाल ही में सपना चौधरी ने अपने इंटरव्यू में इस झूठी खबर को लेकर बातचीत की है। सपना चौधरी ने कहा है कि उन्हें अब इन चीज़ों पर हैरानी नहीं होती है, बल्कि मुझे आदत हो गई है। पिछले 5 से 6 सालों में लोग मुझे कई बार मार चुके हैं। पहली बार अपने निधन की खबर सुनकर मैं काफ़ी परेशान हुई थी, लेकिन अब इन खबरों पर मैं रिएक्ट नहीं करती। अब ऐसा लगने लगा है कि हर साल मेरे निधन की खबर आनी है। लोग कभी मुझे एक्सीडेंट में मार देते हैं, तो कभी गोली लग गई और कभी कहते हैं कि हार्ट अटैक आ गया। अब तो मेरे परिवार को भी ऐसी खबरों की आदत हो गई है। इस तरह से सपना चौधरी ने झूठे निधन की खबर पर अपने दिल की बात रखी है। सपना चौधरी अब इन खबरों को लेकर परेशान नहीं होती हैं। पहले सपना चौधरी काफ़ी परेशान हो जाया करती थी, हैरान हो जाया करती थी, लेकिन अब सपना चौधरी को इन झूठी खबरों का कोई भी असर नहीं पड़ता है। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।